न्यूज़लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर के ताजातरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार की खबर पर बढ़ने से पहले हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेदा गिरिडीह। विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर सदर अस्पताल में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन का हुआ उद्घाटन। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने ऑनलाइन किया उद्घाटन। पचम्बा में हुई झड़प और पथराव के बाद आज भी आसपास की दुकानें रही बंद। किया धरना प्रदर्शन और भाजपा के 8 साल बेमिसाल को लेकर किया जन चौपाल। लोगों को केंद्र द्वारा चलाए जा रही योजनाओं की दी गई जानकारी। अब खबरें विस्तार से। विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर सदर अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा ऑनलाइन ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का उद्घाटन किया गया। इस यूनिट से मरीजों को जरूरत के अनुरूप ब्लड उपलब्ध कराया जाएगा। विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत गिरिडीह सदर अस्पताल में बने नव निर्मित ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का उद्घाटन राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के हाथों ऑनलाइन के माध्यम से किया गया। मौके पर स्वास्थ्य मंत्री के साथ अपर महासचिव अरुण कुमार भी मौजूद थे। इस दौरान गिरिडीह सदर अस्पताल में स्क्रीन के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री द्वारा किए गए उद्घाटन को देखा गया। इस दौरान सदर अस्पताल के नव निर्मित ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन भवन में जिले के DC नमन प्रियेश लकड़ा, DDC शशिभूषण प्रसाद, सिविल सर्जन डॉक्टर SP मिश्रा, DS उपेंद्र दास, प्रभारी मेयर प्रकाश राम, DPRO रश्मि सिन्हा मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस बाबत उपायुक्त ने बताया कि विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर गिरिडीह में भी ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन का विधिवत उद्घाटन राज्य के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा किया गया। इन्होंने कहा कि राज्य के 4 जिले में अभी तक ब्लड कंपोनेंट्स का कार्य शुरू हो चुका है, अब गिरिडीह में भी इसका उद्घाटन हो चुका है। बताया गया कि इस सेपरेशन में लोगों द्वारा डोनेट किए गए ब्लड को सर्कुलेशन के माध्यम से प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, रेड सेल को अलग अलग निकाला जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जिस मरीज को जिस प्रकार के ब्लड की कमी है उसे उसी तरह का ब्लड उपलब्ध कराया जाएगा। उपायुक्त ने स्वास्थ्य व्यक्ति से अपील किया कि स्वास्थ्य विभाग व समाज सेवी संस्था द्वारा जब भी ब्लड डोनेट का कैंप लगाया जाता है तो रक्तदान अवश्य करें। इस अवसर पर शिव प्रसाद मिश्रा ने बताया कि आज का दिन जिले के लिए सौभाग्य की बात है। स्वास्थ्य मंत्री द्वारा आश्वासन मिला है कि जल्द ही ब्लड कंपोनेंट्स भवन में जरूरत से संबंधित सभी चीजों की पूर्ति कर दी जाएगी। मौके पर डॉक्टर सोहेल अख्तर, डॉक्टर कमेश्वर प्रसाद, डॉक्टर राजीव कुमार, डॉक्टर अशोक, DPM प्रतिमा कुमारी, रेड क्रॉस के चेयरमैन विश्वकर्मा, विवेश जलान, रमेश यादव समेत कई सदर अस्पताल कर्मी मौजूद थे। आज विश्व रक्तदाता दिवस के शुभ अवसर पर झारखंड जिले के झारखंड राज्य के 5 जिले जिसमें कि गिरिडीह जिला भी शामिल है, इसमें ब्लड सेपरेशन यूनिट, ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का उद्घाटन हुआ। जल्द ही गिरिडीह जिला के जो सदर अस्पताल है उसमें जो भवन बनकर तैयार है उसमें ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट की मशीन इंस्टॉल कर दी जाएगी। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो ब्लड में जो अलग अलग कंपोनेंट्स रहते हैं, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, RBC WC, इसको होल ब्लड को लेकर इसको सेपरेट किया जाएगा। जैसे कि बताया जाता है कि होल ब्लड की जो वैलिडिटी है वो लगभग 6 सप्ताह की होती है, लेकिन अगर अलग अलग कंपोनेंट्स में उसको ब्रेक कर दिया जाए मशीन के द्वारा तो इसका 1 साल की वैलिडिटी रहती है। और इसमें 4 अलग अलग जो रेसिपिएंट है, जो लाभुक है, जिनको की प्लेटलेट ज़रूरत है, जिनको प्लाज्मा ज़रूरत है, तो उनसे लाभान्वित किया जा सकता है। और इस शुभ दिवस पे मैं ये आप लोगों के माध्यम से यही अपील करना चाहूँगा कि जो हमारे विभिन्न संस्थान हैं जिनको कि आज पुरस्कृत भी किया गया, तो उसी तरह से सभी जो संस्थान हैं जो गिरिडीह जिला में जो कार्यरत विभिन्न कार्यालय हैं, इंक्लूडिंग जो हम लोगों का जिला प्रशासन है और हम लोगों का जो क्षेत्रीय कार्यालय है, हम लोग भी ये प्रतिबद्ध हैं कि हम लोग नियमित अंतराल पर हम लोग ब्लड डोनेशन का काम करेंगे, ताकि जितनी ज़रूरत है राज्य को और ख़ासकर हमारे ज़िले को, वो हमारे ज़िले से ही इसकी प्रतिपूर्ति हो जाए। और जल्दी हम लोग बगोदर में भी एक ब्लड बैंक की स्थापना करेंगे, ताकि जो अधिक से अधिक हम लोग अच्छे ढंग से और कम समय में जो ज़रूरतमंद है उन लोगों को ब्लड प्रोवाइड करा सकें। स्वस्थ प्रक्रिया है, बहुत ही हेल्दी प्रक्रिया है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी एडवर्स इश्यूज़ नहीं होते हैं। तो इसी अपील के साथ में हम लोग स्वास्थ्य विभाग को और झारखंड सरकार को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, हमारे माननीय सचिव मंत्री
मंत्री महोदय को और विभाग के तमाम पदाधिकारियों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि गिरिडीह जिला को यह विशेष फैसिलिटी मिल सका। हमारे जिले के लिए एक सौभाग्य की बात है कि हमें ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का एक भवन भी मिला और इसके लिए जैसा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि हम शीघ्र ही सारे इंस्ट्रूमेंट्स और सारे चीज़ हम उपलब्ध करा देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इस सुविधा का बहुत ही जल्दी हम यहाँ के जिलेवासियों को लाभ दे पाएंगे और ये कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट जब हमारा तैयार हो जाएगा तो हम इससे एक यूनिट ब्लड से कई लोगों को लाभ दे पाएंगे। जो पहले एक अगर ब्लड होता था तो हम एक लोगों को लाभ दे पाते थे, इससे हम कई लोगों को, जैसे अगर किसी को प्लाज्मा की आवश्यकता है तो प्लाज्मा दे पाएंगे, अगर किसी को जिसके प्लेटलेट्स की आवश्यकता है तो हम प्लेटलेट्स दे पाएंगे, किसी को अगर रेड सेल्स की आवश्यकता है तो हम वो रेड सेल्स दे पाएंगे। तो ये है कि हम एक यूनिट से तीन लोगों को लाभ दे सकते हैं। अगर हमारा 3000 यूनिट अगर हम जमा करते हैं तो 9 तो नहीं लेकिन हम 4000 4500 5000 लोगों को लाभ दे सकते हैं। और मेरे कहने का इस पर तात्पर्य ये था कि अगर हमारे यहाँ 13 लाख लोग ब्लड डोनेट करने की स्थिति में हैं तो कम से कम 1 लाख लोग तो हमारे यहाँ साल भर में डोनेट कर ही सकते हैं। तो हमें ये जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है या लोगों में ये भ्रांति जो कि ब्लड देने से हम कमज़ोर होते हैं इसको दूर करने की आवश्यकता है, बल्कि ब्लड डोनेट करने से हम और स्वस्थ होते हैं, हमारे ब्लड प्रेशर हमारा कंट्रोल रहता है, वजन कंट्रोल में रहता है, कोलेस्ट्रॉल घटता है और हमारे जो बोन मैरो में जो ब्लड बनने की क्षमता होती है वो स्वतः बढ़ती जाती है ब्लड डोनेशन करने से, सूत्र में जोड़ता है। हम ये नहीं देखते हैं कि हम किसके लिए ब्लड दे रहे हैं, हम ये नहीं देखते हैं कि हमें जो ब्लड मिला वो किसका मिला, तो इससे ज़्यादा एक सूत्र में जोड़ने वाला और कोई दान नहीं है। पचपन हटिया रोड में रविवार की रात हुई झड़प और पथराव के बाद आसपास की दुकानें आज भी बंद रही, दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठान के बाहर धरना प्रदर्शन किया। पचम्बा थाना क्षेत्र के हटिया रोड में रविवार की रात हुई झड़प और पथराव के बाद हटिया रोड के आसपास के लोग आज भी अपने अपने दुकान बंद रखे और अपनी मांगों को लेकर दुकान के बाहर भारी संख्या में धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। सोमवार से ही सभी दुकानें बंद देखने को मिल रही है, सभी प्रतिष्ठान बंद रखकर सेंटर में मकान बिक्री संबंधित पोस्टर चिपका दिया गया। धरना पर बैठे लोगों ने कहा कि पुलिस अभी तक जिन लोगों के द्वारा पत्थरबाजी और घटना का अंजाम दिया गया है उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। पुलिस प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द पथराव करने वाले लोगों को चिन्हित कर गिरफ्तार किया जाए। वहीं पुलिस द्वारा ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है जो निर्दोष है। इस बाबत लोगों ने बताया कि आए दिन इस रोड में एक समुदाय के लोगों द्वारा घरों और दुकानों पर पत्थरबाजी की जाती है। इधर पचम्बा की हालत तो देखकर पूर्व विधायक सब भाजपा नेता निर्भय कुमार सहबादी लोगों से मिलने पहुंचे और उन्होंने बताया कि एक समुदाय के लोग द्वारा अपने वर्चस्व को देखते हुए इरादे से पत्थरबाजी किया गया है जो गलत है। प्रशासन जल्द से जल्द सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से जो लोग पत्थरबाजी किए उन्हें जेल में डाल दिया जाए, वहीं निर्दोष लोगों को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। वहीं मौके पर भाजपा नेता चुन्नू कांत, दिनेश यादव, नरेंद्र सिंह सहित पचम्बा के निवासी लोग मौजूद थे। आए दिन इस रोड में, रानी सती रोड में, हटिया रोड में कुछ लोग आते हैं, उपद्रवी लोग एक समुदाय के, और घरों पर पत्थर चलाते हैं, लोगों को मारपीट करते हैं, महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हैं, और जब हमारे लड़के इसका विरोध करते हैं तो हम लोगों को मारा जाता है। प्रशासन हमको कोई प्रोटेक्शन नहीं देता है, उल्टे हमारे लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम करता है। हम लोग कहाँ जाएं? कल एएसपी साहब जमा साहब से हम लोगों ने बात किया, बोला सीसीटीवी फुटेज में जिसका भी चेहरा आया सबको हम जेल भेजेंगे। हम लोगों ने कहा कि सर हमारे घर पर आकर के लोग मारपीट कर रहा है, क्या हम लोग प्रोटेक्शन नहीं करें? उनका कहना है कि आपको अगर कोई मारता है तो आपको मार खाना है, आपको विरोध नहीं करना है, आप हमको खबर कीजिए। हम लोगों ने कहा कि हम लोग मार खा के मर जाएंगे तब, तो बोला कि डेड बॉडी यहाँ लाइए, हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। आज हमारे घर की महिलाएं बच्चियां इतनी डरी हुई है कि आप देख लीजिए सारे घरों पर मकान बिक्री है का बोर्ड लगा हुआ है। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि आप यहाँ आवे, एसपी साहब यहाँ आवे, डीसी साहब यहाँ आवे, यहाँ की वस्तु स्थिति को स्वयं देखें। अगर हमारा घर का बच्चा किसी के भी घर पर गया हो झगड़ा करने के लिए
तो उसको उठाइए, उसको फांसी पर चढ़ा दीजिए। लेकिन अगर हमारा घर पर आकर कोई अगर हमको मारने के लिए जाएगा तो क्या हमको अधिकार है कि नहीं कि हम उसका विरोध करें? और अगर हम विरोध करने पर अगर हमको जेल जाना पड़ेगा, विरोध होने पर हमको अगर केस होगा, हमारे बच्चे जेल जाएंगे, तो आज हम यहाँ पचम्बा छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। हमारा घर बिक्री है और ये कोई ड्रामा नहीं है। दाम लगावे लोग, हम लोग छोड़ने के लिए तैयार हैं। हमारी लड़कियों को छेड़ा जाता है, प्रशासन बोलता है कि हर बात हटिया रोड में झगड़ा क्यों होता है। मेरा एक कहना प्रशासन से पूछना खुलेआम आप लोगों के माध्यम से, झगड़ा हटिया रोड में होता है पत्थर मस्जिद से चलता है, झगड़ा हटिया रोड में होता है पुनरा पट्टी की तरफ केडिया पट्टी की तरफ से लोग आते हैं और उधर से पथराव करते हैं, झगड़ा हटिया रोड में होता है पथराव इधर से होता है, चारों तरफ से घेर करके पत्थर चलाया जाता है। और परसों जो पथराव हुआ है प्रशासन भी पर भी पथराव हुआ है और प्रशासन देखा है कि कौन कौन पत्थर चलाया और किधर से चलाया और केस हम पर हो गया। हथियार छीनताई का केस देखिए कौन कौन दफा लगा दिया गया है। ये सारे दफा को हटाया जाना चाहिए और हमारे बच्चों को बिना शर्त रिहा कीजिए, नहीं तो हम लोग यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर हैं। उपनगरी और यहाँ आए दिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटती है जिससे पूरे गिरिडीह के लोगों का सर शर्म से झुक जाता है। हालात ये है कि लगातार महीने डेढ़ महीने के अंदर में अवांछित तत्व जो सो कॉल्ड रंगदार लोग हैं जो अपना बचरफ से छोटे छोटे मझोले व्यापारी से लेकर बड़े व्यापारियों को जताना चाहते हैं, उनसे लेबिया सुनना चाहते हैं कि उनके मर्जी से हटिया रोड चले। जो लोग हटिया रोड में अतिक्रमण कर रहे हैं, नाजायज ढंग से मजमा लगा करके अपने चीजों को बेचने का दबाव डालते हैं, वैसे लोग का इतना मन बढ़ गया है आए दिन पत्थरबाजी करने का। मैंने पता नहीं कहां से पत्थर इकट्ठा करते हैं और पत्थर चलाने लगते हैं बिना कोई बात के, सिर्फ अपना वचर्स दिखाने के। यहां के लोग उद्वेलित हैं और जिला प्रशासन से सरकार से मांग कर रहे हैं इसमें सघन जांच हो, उचित कार्रवाई हो, निर्दोष लोगों को छोड़ा जाए और जो लोग दोषी हैं, पुलिस ने अपने आंख से देखा है ये पत्थर चलाते हुए कौन सीसीटीवी फुटेज है, वैसे लोगों को चिन्हित करके उनको दंड देना चाहिए ना कि निर्दोष लोगों को। अब आपको चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों के साथ आप देखते रहे। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नता प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, सुइटेड आउटडोर, कंप्यूटर क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, बोर्डिंग एंड ग्रीन कैंपस, रिच लाइब्रेरी, आर्ट इन क्लास, स्विमिंग क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्कूल, टॉप क्लासेस, ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा के कुशल प्रबंधन व प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले विद्यालय में क्लास नर्सरी से 12 तक का नामांकन प्रारंभ हो गया है, तो आप अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114 मोदी लेदा, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल, गिरिडीह की पहली दुकान जहाँ एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, ओसियम, सियाराम, रिडन टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड सेटिंग के अलावे कई कंपनियों की जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मीपति, सुभाष, मीनू साड़ीज, सुमन, बेंगलोरी सिल्क, तांत सहित कई ब्रांड की साड़ियाँ आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट पीस, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन,
फ्रॉक कुर्तीज का फुल रेंज मौजूद है। साथ ही फैंसी टॉवल, बेडशीट, पर्दा, दरी, ब्लैंकेट, धोती भी आप यहां से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन में हमारे यहां आपके लिए है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो खुल गया है श्री संजीव टेक्सटाइल का नया ब्रांच। यहां आपको मिलेगा कोट पैंट, शेरवानी, सेहरा, टाई, टोपी तथा शादी के सभी आइटम। तो होलसेल रेट में हमारे यहां करें खरीदारी और अपने समय और पैसे की बचत करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह। गिरिडीह शहर के अलकापुरी में खुल गया है संगीता की ब्यूटी ब्यूटी पार्लर, आपके सौंदर्य में चार चांद लगाए। जी हाँ, हमारे पार्लर में यहाँ आपको ब्लीच, फेशियल, थ्रेडिंग, हेयर कटिंग, हेयर स्प्रे, हेयर स्ट्रेटनिंग परमानेंट, हेयर कैरेटिन ट्रीटमेंट, हेयर हाईलाइटिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर, ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप, एसडी मेकअप, दुल्हन मेहंदी के साथ ही यहाँ लोरियल एवं मैक क्रीम के प्रोडक्ट का उपयोग किया जाता है। हमारे पार्लर में आने वाले ग्राहकों के लिए 50% की छूट दी जा रही है। हमारे पार्लर में जरूर आए, ऑफर सीमित समय के लिए। आपके रूप में आएगा और निखार जब आएंगे आप हमारे संगीता के ब्यूटी ब्यूटी पार्लर के द्वार। एक बार आएंगे फिर खुद को नहीं रोक पाएंगे। हमारा पता संगीतापुरी टीवीएस शोरूम के बगल में अलकापुरी गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में फ्लेक्स और प्रिंट के क्षेत्र में जाना पहचाना नाम बरकतअली आर्ट्स। जी हाँ, गिरिडीह के स्टेशन रोड में लाइन मस्जिद के पास हमारे यहाँ आपको हर तरह का एलईडी लाइट बोर्ड, विजिटिंग कार्ड, एलईडी लेटर, स्टील लेटर, फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, INN नंबर प्लेट, शादी कार्ड, नेम प्लेट, पंप प्लेट, हैंडबिल आदि की सुविधा दी जाती है। हमारा पता है बरकतअली आर्ट स्टेशन रोड नियर लाइन मस्जिद गिरिडीह। विगत 27 वर्षों से शिक्षा का अलग जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में नए सत्र के लिए नामांकन जारी है। CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में नर्सरी से क्लास 12 तक की पढ़ाई होती है। यहाँ योग के अनुभवी और समर्पित शिक्षक, कम्पेटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडर्न साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, CCTV कैमरा, RO वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनिता सिन्हा के कुशल नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय से संपर्क करें। हमारा पता है हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर पचम्बा रोड, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1,000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया मगतपुर, सवेरा रोड, कचहरी चौक स्थित न्यू सम्राट ड्रेसेस में गिरिडीह के कई स्कूलों जैसे कार्मल, DAV, SSBM, हनी होली सहित सभी स्कूलों के स्कूल ड्रेस उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ शर्ट पैंट, जीन्स, टी शर्ट, साड़ी, धोती, सूट पीस, चूड़ीदार, सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक टॉप, नाइटी, गरारा सरारा, लहंगा चुनरी, गाउन, प्लाजो, बावा सूट वगैरह का लेटेस्ट स्टॉक उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता न्यू सम्राट ड्रेसेस, कचहरी चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब रुक करते कुछ खबरों की ओर।
गया। चौपाल के माध्यम से लोगों को केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के निर्देशों अनुसार गिरिडीह नगर इकाई की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण को चौपाल लगाकर लोगों को इससे जोड़ने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को भाजपा की ओर से भरमोरिया पंचायत के गप्पई गांव के हरिजन टोला में केंद्र सरकार द्वारा 8 साल में किए गए कार्यों को जन चौपाल के माध्यम से बताया गया। कार्यक्रम के दौरान अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता सुनील पासवान ने बताया कि विगत 8 साल से देश नरेंद्र मोदी की सरकार में नई ऊंचाइयों के शिखर पर लगातार बढ़ रही है। केंद्र सरकार द्वारा 8 साल बेमिसाल के तहत काम किया गया। इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वलता योजना, जन धन खाते पीएम मुद्रा योजना एवं पीएम कौशल विकास योजना के बारे में लोगों के बीच जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित महिलाओं व पुरुषों ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि मोदी ने कई महत्वपूर्ण योजना चलाकर गरीबों के लिए काम किया है। मौके पर अनुसूचित आयोग चेयरमैन शिवधारी राम, अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश चौपाल प्रभारी रंजय भारती, प्रकाश दास, गोविंद तुरी सहित भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। गप्पे की पावन भूमि पर सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के केंद्र सरकार के 8 साल के निमित्त जन चौपाल कार्यक्रम यहाँ लगाया गया। जैसा कि आप लोगों को पता है, 2 तारीख से लेके 15 तारीख तक ये कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। उसी के निमित्त ये कार्यक्रम गिरिडीह जिले में भी गप्पे में रखा गया। पहला कार्यक्रम माथाडी में हुआ था, वहाँ के नगर अध्यक्ष के नेतृत्व में। इस कार्यक्रम में यहाँ पे नकुल तुरी जी, गोविंद तुरी जी, प्रकाश जी संघ के नेतृत्व में हो रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे एससी आयोग के चेयरमैन, प्रथम चेयरमैन आदरणीय सिद्धारी राम जी उपस्थित हुए, और इस जन चौपाल कार्यक्रम के पूरे झारखंड के प्रभारी और प्रदेश महामंत्री भाई रंजय भारती जी उपस्थित हुए। तो इसके लिए हम उन लोगों को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ मोदी जी के कार्यकाल का 8 सब वर्षों में जो उन्होंने कार्य किया है, उससे हम लोग जन संवाद करके यहाँ के नागरिकों से जानना चाहा और सबसे राय लिया, तो सभी लोगों ने बोला कि प्रधानमंत्री आवास भी मिला है, इज्जत घर भी मिला है, आयुष्मान कार्ड योजना का भी लाभ ले रहे हैं, और खाद्यान्न का योजना भी मिल रहा है, खाद्यान्न योजना का भी लाभ मिल रहा है सारे, और सभी ने वैक्सीनेशन लगा लिया है, वैक्सीन लगाने का सारे लोगों ने काम किया है। उसी तरह से हम अपने इस पूरे देश भारतवर्ष में जैसा कार्यक्रम चल रहा है, उसी के निमित्त हम लोगों ने इस कार्यक्रम को पूरी जानकारी रूप से रेखा रखी। और जहां तक हम इस बात करते हैं, जो ये तो हमारे केंद्र सरकार की योजना है, इस राज्य में जब से 3 साल पहले लागू होने चला, जो हमारे इस राज्य में जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, इसमें लगातार प्रतीत होता है कि पूरा प्रशासन विफल हो चुका है। और हमारे पास जो अभी तक मैंने आप लोग के माध्यम से जो आंकड़ा उपलब्ध हुआ है, उसके हिसाब से 3500 आदिवासी दलित महिलाओं की हत्या इस समय पूरे झारखंड में हुई है, जो कि 6 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष की आयु तक की महिलाएं हैं। उसमें से हमारा जो है दलित परिवार का 1800 के करीब आसपास ये आंकड़ा है, 1800 हमारे दलित भाइयों बहनों का और माताओं के बीच में ऐसा घटना, आपराधिक घटना घटने का हुआ है। तो हम लगातार इस माध्यम से किस तरह से मोदी जी इस देश को सशक्त करने में लगे हुए हैं, जिस तरह से भारत का सर जो वो किसी हमेशा बमबाजी से गुजर करता था, वहाँ पर इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने धारा 370 और 35 से हटा करके देश का सर्वमान रखने का काम किया। और उसी तरह से हमारा 450 साल पुराना मामला, जो बच्चे से हम लोग नारा दिया गया जय श्री राम का नारा देते थे, वैसे भी अयोध्या राम जन्मभूमि को पूरा शांतिपूर्ण देश में शांतिपूर्ण माहौल से बनाया गया। बस इतना ही, आप लोगों का बहुत धन्यवाद। रविवार को पचम्मा के हटिया रोड में हुए झड़प और पत्थर की घटना से लोग सदमे में हैं। लोगों ने अपने दुकान और मकान के बाहर बिक्री नामा पोस्टर चिपका दिया है, साथ ही पुलिस से सुरक्षा व्यवस्था की गुहार लगाई है। रविवार को उपनगरी पचम्मा के हटिया रोड में हुए झड़प और पथराव के बाद से यहां के स्थानीय लोग काफी सदमे में हैं। मंगलवार को स्थानीय दुकानदारों ने अपने अपने प्रतिष्ठानों व मकानों को बेचने के उद्देश्य से गेट पर मकान बिक्री नामा पोस्टर चिपका दिया गया है।
इस बाबत दुकान संचालक अनिल केडिया ने बताया कि आए दिन यहाँ उपप्रवर्तियों द्वारा पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया जाता है, जिससे हम लोग तंग आ चुके हैं। इनका कहना है कि पुलिस प्रशासन हम लोगों को सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करे, अन्यथा हम लोग घर व दुकान बेचने के लिए तैयार है। बिजनेसमैन नितेश केडिया ने बताया कि आए दिन हटिया रोड व रानी सती रोड में छोटे छोटे मामलों में पत्थरबाजी किया जाता है। इनका कहना है कि आखिरकार पत्थरबाजी के समय अचानक ढेरों के ढेर पत्थर कहां से आ जाते हैं। बताया गया कि पहले से समुदाय के लोगों द्वारा पत्थर जमा किया जाता है और नुस्खे निकाल कर विवाद उत्पन्न किया जाता है, जिसके बाद पत्थरबाजी की जाती है। नितेश केडिया ने बताया कि हम लोग छोटे बिजनेसमैन हैं, लगातार इस तरह की घटना होने से परिवार व पूरे मोहल्ले के लोग काफी डरे हुए हैं। पत्थरबाजी के दौरान हम लोगों को खुद की जान बचाने के सिवा सामानों की रक्षा भी करनी पड़ती है। इसके बावजूद भी अगर विवाद को सुलझाने का प्रयास किया जाता है तो पुलिस द्वारा गलत इल्जाम लगाकर गिरफ्तार कर लिया जाता है। बताया गया कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से लोगों को चिन्हित करने का प्रयास कर रही है। दुकान में सीसीटीवी कैमरा रहने के कारण हम लोगों की भी उसमें फुटेज रहती है। पुलिस प्रशासन से हम सभी की मांग है कि सीसीटीवी में पत्थर चला रहे लोगों को चिन्हित कर उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। मौके पर सुनील कुमार साहू, संतोष कुमार समेत अन्य लोगों ने कहा कि पुलिस हम लोगों की सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करवाए, अन्यथा हम लोग अपने घर और प्रतिष्ठान को बेचकर दूसरे स्थान पर जाने के लिए तैयार है। अभी हम लोग दुकान खोलते हैं, पूरे भय से हम लोग प्रस्तुत हैं। दुकान अगर खोलते हैं कोई आके अगर हम लोग को दुकान में छेड़खानी करता है या गलत करता है, अगर हम उसके ऊपर में कुछ भी अपना रक्षा करते हैं, प्रशासन का कहना आप मान करते रहिए, हम आएंगे तभी आपका कुछ निष्कर्ष निकलेगा, ये सही है क्या। तो हम लोग इतना डर गए हैं कि लास्ट में हम अपना जमीन को लिख दिए हैं कि अगर कोई देता है तो हम देने तैयार है और हम लोग यहाँ चले जाएंगे। अगर सुरक्षा नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे। तो हम लोग बिजनेस में नहीं, डालने के लिए तो आया नहीं, रात दिन हम लोग को यही बैठना और यही कमाना और खाना है। और अगर उनका कहना है सीसी फुटेज में हमारा नाम आ गया, हमारा चेहरा आ गया, तो आप मेरा यहाँ पर एगो है नाम लिखा दिया, बाप के नाम, माई के नाम, हमारा नाम, और आप आते हैं हमको 3 बजे रात में अरेंज कर लेते हैं, गाली गलौज करके अलग जो करते हैं उसको अलग है। यही सब है, हम लोग चाहते हैं हम लोग को सुरक्षा कि हम लोग के साथ ऐसा व्यवहार, हम लोग दुकान में है बिजनेस करना है, हम लोग बिजनेस जो आप लोग मकान के सामने लिखे हुए मकान बिक्री है संपर्क करें क्या कहा। आए दिन हम लोग के यहाँ पर हटिया रोड में झगड़ा होते रहता है, इसके कारण क्या यहाँ से पथाव होते रहता है। हम लोग दुकानदार वाले हैं, बिजनेसमैन वाले हैं, दुकान मेरा खुला हुआ रहता है, घर में ही दुकान रहता है, पत्थर उतर चलने लगता है। एक बेग हम लोग सामान अंदर करें कि अपने को बचाएं कि घर को बचाएं, और पत्थरबाजी में थोड़ा सा चोट आ जाता है। और हम लोग कहीं आत्मरक्षा के लिए कुछ करते हैं तो प्रशासन हम ही लोग के ऊपर केस करते हैं, हम ही लोग को तंग करते हैं और उठा के ले जाते हैं। क्या लापरवाही, लापरवाही क्या है कि जो चिन्हित व्यक्ति है उसको अभी तक उठाया गया नहीं। हमेशा तक 2 बार यहाँ पथराव हुआ 2 महीने, दोनों को वीडियो आप देख लीजिए, जो जो लड़का इसमें चिन्हित है वो हमेशा 2 बार पथराव किया और हमेशा पत्थर एक ही जगह से चलता है। अब इसका क्या मायने, आप तहकीकात कीजिए कि पत्थर इतना कहाँ से आ जाता है। तुरंत रोड में तो एक पत्थर नज़र नहीं आता, लेकिन एक बेग 10 मिनट के अंदर 500 लड़का जुटना और एक बेग पत्थर चला देना, तो घर बिजनेसमैन यहाँ पूरा बाजार जो हटिया रोड रानी सती रोड पचम्बा बाजार है इसमें सब दुकानदार भाई लोग, अब कोई चंदन डी से आता है, कोई परसा डार से आता है, कोई कहाँ कहाँ से आता है, वो अब भागेगा अपना सुरक्षा करेगा कि सामान बचाएगा, जिसके कारण उसको नुकसान भी होता है, ऊपर से पत्थर का मार भी खाते हैं। और कुछ हम लोग बचाने भी चाहते हैं कि चलिए आत्मरक्षा के लिए उसको बचा कर थोड़ा दूर भेजें, तो प्रशासन का कहना है कि हम लोग जब तक नहीं आते तब तक आप लोग कुछ मत कीजिए, यानी मार भी खा लें, दुकान लूट जाए, घर लूट जाए। तो प्रशासन से यही आग्रह है कि हम लोग को सुरक्षित दीजिए या तो फिर हम लोग यहाँ से भेज के दूसरे जगह चला जाएंगे, शिफ्ट अपना हो, क्योंकि जान सबको प्यारा है। मधुबन में श्री शिवाजी स्वच्छता समिति की बैठक आहूत की गई। बैठक में स्वच्छता समिति के कार्यों की समीक्षा सह वार्षिक उत्सव 18 जून को मनाने का निर्णय लिया गया। मधुबन में श्री शिखरजी स्वच्छता समिति की बैठक आहूत की गई, जिसकी अध्यक्षता तेज नारायण महतो ने की। बैठक में स्वच्छता समिति के कार्यों की समीक्षा वार्षिक उत्सव 18 जून को मनाने का निर्णय लिया गया। समिति के कार्य तथा आय व्यय पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। बैठक में उपस्थित सभी लोगों ने समिति के कार्यों की प्रशंसा की। बैठक में स्वच्छता में कार्य करने वाले लोगों को नव निर्वाचित पंचायत जन प्रतिनिधि की समिति द्वारा सम्मान करने का निर्णय लिया गया।
बैठक में समिति के अध्यक्ष की तरफ से समिति में सहयोग करने वाले संस्थाओं, दुकानदार, पत्रकार सभी को आभार व्यक्त किया गया एवं यह संदेश दिया गया कि समिति एक सामाजिक संस्था है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं। इस संस्था में सभी सामाजिक लोग जो समाज की स्वच्छता संबंधित सहयोग करना चाहते हैं उनका स्वागत है। बैठक में दीपक मैपानी, अंबिका राय, नंद किशोर सिंह, सुमन सिन्हा, भरत साहू, विद्याभूषण मिश्रा, संतोष जैन, दिलीप टूरी, झारी महतो, प्रभा जैन के साथ दीपक सिंह, मनोज श्रीवास्तव, अमित सहाय, अमित चंद्रवंशी, अमित जैन आदि लोग शामिल थे। ये था हमारा आज का, फिर मिलते अगले खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।